प्रश्न नंबर 363, गद्य नंबर 909-910, सूत्र नंबर 46। अब यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनियों के स्वरूप को और उनके भेदों को बतलाते हैं। आह सम्यक दर्शन सन्निधानेपि यत् असे असंख्येय गुण निर्जरत्वात् परस्परतो न साम्येषां किं तरहि श्रावक बदमि विरतादयो गुणभेदान् निर्ग्रंथतां अर्हन्त्यति इति उच्यते। न एतत् एवं कुतः यस्मात् गुणभेदात् अन्योन अन्य विशेषेपि नैगमादि नय व्यापारा सर्वेपि ही भवन्ति। कहते हैं सम्यक दर्शन का सन्निधान होने पर भी यदि असंख्येय गुण निर्जरा के कारण में परस्पर समान नहीं है तो क्या श्रावक के समान ये विरत आदि भी केवल गुण भेद के कारण निर्ग्रंथपने को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यतः गुण भेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगम आदिक नय की अपेक्षा वे सभी होते हैं। अब उनमें कोई डिफरेंसेस हैं क्या उन निर्ग्रंथों में? तो आचार्य उनकी डिफरेंसेस, उनके बीच में जो सामान्य अंतर हैं, उन अंतरों को यहाँ पर दिखलाते हैं। सूत्र नंबर 46, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक ये पांच निर्ग्रंथ हैं। 910 नंबर गद्य, उत्तर गुण भावना भावना पीत मनसो व्रतेषु अपि क्वचित कदाचित परिपूर्णताम अपरिप्राप्नुवन्तो विशुद्ध पुलाक सदृशात् यात्म पुलाकः इति उच्यन्ते। जिनका मन उत्तर गुणों की भावनाओं से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, वे अविशुद्ध पुलाक अर्थात मुरझाए हुए धान्य के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। पहला लक्षण क्या बनाया? पुलाक का, जिनका उत्तर गुणों में तो मन नहीं है लेकिन जो मूल गुण है उनमें भी कदाचित दोष लगते हैं। आगे नैर्ग्रंथम प्रति स्थित्वा अखंड व्रतः शरीरोपकरण विभु विभूववा अनुवर्तिनु विविक्त परिवार मोह मोहस बलयुक्ता बकुशः। बकुश कौन है? तो जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड पने से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। अच्छी तरह देखना, पहले में पुलाक में क्या कहा, जो निर्ग्रंथपने को प्राप्त करने के पश्चात भी जिनकी उत्तर गुणों में तो कोई भावना है ही नहीं लेकिन कदाचित उनके मूल व्रतों में भी मूल गुणों में भी दोष लगता है। अब बकुश के लक्षण क्या बताते, जो अपने व्रतों को तो निर्दोष रूप से पालन करते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं लेकिन फिर भी शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, पिछी व्यवस्थित करने में, कमंडल व्यवस्थित करने में, शरीर को व्यवस्थित करने में और परिवार से घिरे रहते हैं। यहाँ परिवार का अर्थ कोई गृहस्थादिक नहीं,
मतलब जो ग्रस्तों का परिवार होता है, यहाँ परिवार का अर्थ है भक्त, शिष्य मंडली आदि परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। आगे शवल पर्याय वाची बकुश शब्दः, यहाँ पर बकुश शब्द सवल अर्थात चित्त विचित्त शब्द का पर्यायवाची है। चित्त विचित्त मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब आगे कहते हैं कुशील, कुशील कैसे हैं, तो कुशीला द्विविधा, कुशील दो प्रकार के हैं, प्रतिसेवना कुशीला कषाय कुशीला इति, कुशील दो प्रकार के। एक ये कुशील वो पाप वाला नहीं, यह मुनियों का एक भेद है कुशील नाम का, ये दो प्रकार के, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। अब क्रमशः इनका लक्षण बतलाते हैं। सबसे पहले प्रतिसेवना कुशील, अविभक्त परिग्रह, परिपूर्ण उभया कथंचित उत्तर गुण विराधिना प्रतिसेवना कुशीला, जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो पूर्ण और जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। वशीकृतान्य कषायोदया संज्वलन मात्र तंत्र कषाय कुशीला, जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और केवल संज्वलन कषाय के अधीन है, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। उदर दंड राजी वदन अभिव्यक्त उदय कर्मणः ऊर्ध्वम मूर्तात् उदभि विद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो निर्ग्रंथा। अब निर्ग्रंथ कौन है, तो कहते हैं जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो गया है और जो अंतर्मूर्तवाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अर्थात 12वीं गुणस्थान में स्थित मुनिराज जो केवल ज्ञान के बिल्कुल सम्मुख पहुंच गए हैं, वे कहलाते हैं निर्ग्रंथ। अब आगे कहते हैं, यहाँ पे पंक्ति पूर्ण नहीं लिखी हुई है, अच्छा दूसरी किताब में 364 नंबर पृष्ठ, इसमें भी नहीं है। प्रक्षीण घाति कर्माणाम केविलिनो द्विविधा, जिन्होंने पूर्ण रूप से घाति कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे केवली दो प्रकार के हैं, वे दो प्रकार की केवली स्नातक कहलाते हैं। जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार की केवली स्नातक कहलाते हैं। दो प्रकार से संयोग केवली और अयोग केवली के भेद से, ते पंचापी निर्ग्रंथा, ये पांचों ही निर्ग्रंथ हैं, मुनियों के ये भेद हैं। चार चारित्र परिणामस्य प्रकर्षा प्रकर्ष भेदे सत्यपि नैगम संग्रहादि नय अपेक्षया सर्वेपि ते निर्ग्रंथा इति उच्यन्ते। ये इनमें चारित्र रूप परिणामों की न्यून अधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम और संग्रहादिक नयों की अपेक्षा ये सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं। यद्यपि ये सब निर्ग्रंथ ही हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ चारित्र के कारण न्यून अधिकता पाई जाती है। अच्छी तरह ये समझना, कोई ये ना समझे कि आज वर्तमान में जो मुनि सदोष हैं या किसी प्रकार की उनकी चर्या में कमी है तो क्या उन्हें इन पांचों में माना जाए, नहीं। बहुत अच्छी तरह समझना, जिनके चारित्र में कदाचित दोष लगते हैं उनका यहाँ पे वर्णन है, जिनके निरंतर दोष लग रहा है उनका यहाँ वर्णन नहीं है। ये वर्णन भावलिंगियों का है। जब द्रव्य लिंग सुरक्षित होगा, 28 मूल गुणों का निर्दोष बाहर में पालन होगा, उनके ही भावलिंग बनता है।
जिनकी भावलिंग है ऐसे द्रव्य लिंग सहित भावलिंगी मुनिराजों के ये भेद हैं। जिनके अभी द्रव्य लिंग की पूर्णता नहीं है उनकी भावलिंग कैसे होगा, और जिनकी भावलिंग ही नहीं है उनके कभी भी निर्ग्रंथपना होगा ही नहीं। इसलिए इस विषय में बहुत अच्छी तरह समझना, वरना बहुत सारे लोग अपने शीतलाचार को छिपाने के लिए, अपने दोषों को छिपाने के लिए इन मुनिराजों का उदाहरण देते कि वे भी परिग्रह से ग्रसित हैं, वे भी परिवार से सहत हैं, राग उसमें उपकरण आदि को सजाने में लगे हैं। तो आपको उनको इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ये भेद किस प्रकार से हैं, उनका आचरण बाहर से पूर्ण निर्दोष है, तब जाकर अंतरंग की परिणति में चारित्र के नियोग से कुछ बातों का अंतर आ रहा है, अन्यथा उनके निर्ग्रंथपना पूर्ण रूप से है। अब इनमें कोई विशेषताएं हैं क्या? यद्यपि ये सब विशेषताओं से रहते हैं लेकिन फिर भी इनमें विशेषताएं होती हैं। ये भगवान उमाशमी महाराज की एक अनुपमी देन है कि जिनमें कोई भेद नहीं होता उनमें भी भेद प्रतिपादित करने का योग इन्होंने भगवान ने 10वें अध्याय में सिद्धों में भी भेद प्रवृत्त किया है, उसी क्रम से यहाँ पर भी कुछ बातें भी बतलाते हैं।